क्वेश्चन इज विच पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो ऐसा कौन सा लॉ है या कौन सा पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को जो एक्सप्लेन करता है। ओके चलो, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, नो। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल एटम्स, नो। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, यस। एटम्स कैन नीदर बी कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, नो। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता था, ये कहता था कि कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं या जो भी एटम हैं वो जो कंबाइन किए हैं दे आर इन फिक्स्ड रेशियो, ऐसा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ने कहा था। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने भी कहा था कि जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें जो भी एटम्स हैं वो जो है फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो यही उसका पास्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है।